हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग दिस इज क्लास सेवन ग्रामर चैप्टर नंबर इलेवन मॉडल्स तो आज हम लोग देख रहे हैं कि मॉडल्स क्या है इन वेरी शॉर्ट वी विल रीड व डेफिनेशन मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स विच आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स टू एक्सप्रेस परमिशन पॉसिबिलिटी एबिलिटी ऑब्लिगेशन सजेशन रिक्वेस्ट एंड सो ऑन दे इंडिकेट द एटीट्यूड इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर सो मॉडल्स या मॉडल ऑग्जिलरीज जो है ये वर्ड भी होते हैं लेकिन ये जो ऑर्डिनरी बाकी जो वर्ड जिन्हें हम मेन वर्ड जानते हैं उनसे थोड़े से अलग हैं क्योंकि ये समाइम परमिशन तो कभी पॉसिबिलिटी एबिलिटी अप्लीकेशन सजेशन रिक्वेस्ट एक्सेट्रा शो करते हैं सेंटेंस में इनसे हमें स्पीकर का एटीट्यूड बोलने का तरीका उनका मूड कैसा है और इंटेंशन वो क्या चाहते हैं ये पता चलता है तो एक ही सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि कई डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स यूज होते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन अलग अलग होता है सो लेट्स लिटिल बेट योर फीचर्स तो डायरेक्टली वेट्स एग्जाम्पल he should visit his grandmother regularly should का यहाँ मतलब है कैसा करना चाहिए he should visit his grandmother regularly यानी उसे अपने ग्रैंड मदर को रेगुलरली विजिट करना चाहिए जाना चाहिए मिलना चाहिए i may take leave for a week यहाँ पे ये यह जो may है may shows कि शायद ऐसा हो सकता है i may take leave for a week एक वीक के लिए मैं छुट्टी ले सकता हूँ. नेक्स्ट यू कैन मेक एन एप्पल पाई कांटी यू यहाँ पर ये नेगेटिव यूज़ है जब हम कोई सेंटेंस एज अ पॉजिटिव बनाते हैं लाइक ए क्वेश्चन यू कैन मेक एन एप्पल पाए आप एप्पल पाई बना सकते हैं क्या नहीं सो वेन यू आर आस्किंग जब पता है कि देर इज़ नो डाउट इवन देर इज अ क्वेश्चन तो जो सेंटेंस में जो भी मॉडल यूज है जैसे कैन सी अगेन यू कैन मेक एन एपल पाई कांट यू तो जब यहाँ पे कैन का यूज है जो कि पॉजिटिव है और देर इज नो डाउट इन इट तो हम कैन की जगह उसका नेगेटिव क्या होगा कांट कांट यूज करके और फिर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं सिमिलरली यू कैन सी यू शी विल कम टू दार्क देर इज़ नो डाउट सो शी विल कम टू द पार्क वॉन्ट शी वॉन्ट इज दे अपोजिट और नेगेटिव ऑफ विल सो विल नो विल

महेश कैन ड्राइव द न्यू रेसिंग कार इट इज़ वेरी इजी ओके महेश कैन उसके पास एबिलिटी क्षमता है कि वो न्यू कार चला सकता है रेसिंग कार चला सकता है न नेक्स्ट वन इज ही कैन राइट विद बोथ हैंड्स ये भी उसके पास एक एबिलिटी है जो सबके पास नहीं है डेट ही कैन राइट विद बोथ हैंड्स नाउ नेक्स्ट इज कुड कुड का यूज होता है सजेस्ट एबिलिटी इन द पास्ट वही कैन जो है जब अगर वो उसका पास्ट करें हम सपोज पहले कभी पास में वो एबिलिटी थी जो अब नहीं है सो फॉर डैट वी यूज कुड ही कुड वॉक फॉर अ किलोमीटर विदाउट अ ब्रेक लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता है पहले वो आराम से वॉक कर सकता था अ किलोमीटर विदाउट एनी ब्रेक वो चल सकता था सो so, कुड क्योंकि ये पास्ट एबिलिटी है फॉर वन मोर सजेस्ट जनरल एबिलिटी और सिंपली जब हमारे पास जनरल एबिलिटी है जैसे कि इन माई चाइल्ड हुड आई कुड क्लाइम ट्रीज इट वॉज़ ईजी इन माई चाइल्ड हुड आई कुड क्लाइम ट्रीज मैं ट्रीज़ पे चढ़ सकती थी जब मैं छोटी थी जब मैं मेरे बचपन में सो आई न्यू हाउ टू क्लाइम ट्रीज इसका मतलब ये है कि मुझे क्लाइंबिंग ट्रीज आता था जो कि एक जनरल एबिलिटी है न बी एबल टू इट इंडिकेट्स Ability to do something which is more possible than can. तो possibility सबसे पहले तो हम can से बताते हैं अगर कोई भी present में है कोई ability है तो can use करेंगे लेकिन जब हमें दिखाना है कि वो उससे भी ज़्यादा possible है मतलब can से ज़्यादा possibility be able to में होती है और तीसरा क्या था could. तो जब कोई ability past हो गई that time we use could. Example of be able to.

इट इज़ द पास्ट एंड पास्ट में हम क्या यूज करते हैं कुड का यूज़ करते हैं नंबर एट एज अ यंग मैन माय ग्रैंडफादर कुड स्विम रियली फास्ट जब ग्रैंडफादर यंग मैन थे यानी कि वो पास्ट हो गया तो कुड ही होगा नंबर नाइन हिज राइट लेग इज फ्रैक्चर्ड एंड ही विल डैश टू वॉक विदाउट सपोर्ट

देन ब्राहिम हेयर वी कुड वॉक टू हिज हाउस ओके सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर ए नेक्स्ट कम देर इज अ टेबल ऑब्लिगेशन एडवाइज एंड सजेशन के लिए क्या क्या यूज करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है शुड शुड का कहाँ यूज होता है यूज टू मेक अ सजेशन और गिव एन एडवाइज किसी को भी सजेशन या एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल यू शुड टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली एक एडवाइस है कि आपको दिन में दो बार ट्वाइस दो बार मेडिसिन लेनी चाहिए अब एक सजेशन नंबर सी वी शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो ये भी एक अच्छी सजेशन uh, है कि हमें क्या करना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए तो दोनों में ही शुड का यूज़ हुआ है ना नेक्स्ट इज मस्ट मस्ट जो है दिस इज़ स्ट्रोंग ऑब्लिगेशन इट सजेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब है कि एकदम सख जैसे कि एक रूल हो हमें वो तोड़ना नहीं है हमें वो फॉलो करना ही है तो so, वहाँ पे मस्ट यूज़ करते हैं यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड जब भी आपके फ्रेंड को ज़रूरत हो तो आपको उसे मदद करनी ही है करना चाहिए नहीं नॉट यू शुड यू मस्ट हेल्प नेक्स्ट सजेस्ट कंपल्सन एंड द डिज़ायर ऑफ द स्पीकर जो भी बोल रहा है जिसने भी मस्ट का यूज़ किया है वो ये कहना चाहता है कि इट इज़ कंपल्सरी बहुत ज़रूरी है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं एग्जाम्पल यू मस्ट सबमिट योर मेडिकल रिपोर्ट एट दैड ऑफिस बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी स्पीकर तो ने कहा कि कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मेडिकल रिपोर्ट अपने हेड ऑफिस में सबमिट करना जरूरी है मस्ट है थर्ड यूज ऑफ मस्ट इज सजेस्ट नेसेसिटी नेसेसिटी मतलब जरूरत द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट पीपल हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर द गवर्नमेंट को यह जरूर इंश्योर करना है पक्का करना है कि सभी लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है तो मस्ट का यूज क्या क्या है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कंपल्सन एंड नेसेसिटी अब नेक्स्ट आते हैं ऑट टू में ऑट टू जो है एक मॉरल ड्यूटी बताता है सो so, सिंपली जब भी हमें ऐसा लगे कि ये हमारा ये रूल नहीं है बट इट इज आर ड्यूटी हमें ये करना चाहिए

उन्हीं का यूज करना है शुड और टू एंड मस्ट वेरी सिंपल अगर आप यहाँ नहीं भी पढ़ते देन ऑल्सो यू आर एबल टू आंसर कैसे क्योंकि सब में हिंट दिया हुआ है मॉरल ड्यूटी का क्या मतलब होता है वॉट डू वी यूज इन मॉरल ड्यूटी तो हमें दोनों देखते चलना है यहाँ पे जो सेंटेंस है एज वेल एज वट इज द हिंट तो सिंपली हिंट देख के मुझे पता चल रहा है मॉरल ड्यूटी में हम यूज करते हैं ऑट टू ही ऑट टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स उसे अपने पेरेंट्स का लुक आफ्टर देखभाल करनी चाहिए और यहाँ चाहिए का मतलब शुड नहीं है और टू है नेक्स्ट नंबर टू इज सजेशन सजेशन के लिए हम शुड यूज करते हैं यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी नंबर थ्री कंपल्सन कंपल्सन के लिए मस्ट होगा यू मस्ट सबमिट द फॉर्म बिफोर द लास्ट वीक ऑफ मे नंबर फोर नेसेसिटी उसके लिए भी नेसेसिटी में भी हम मस्ट यूज करते हैं द गवर्नमेंट मस्ट द गवर्नमेंट मस्ट मेक एफर्ट टूवर्ड्स ब्रीडिंग द इकोनॉमिक डिवाइड नंबर फाइव वी डैश पे टैक्स ऑन टाइम इट इज आर मॉरल ड्यूटी एज सिटीजन ऑफ द कंट्री अगेन यहाँ मॉरल ड्यूटी वर्ड भी यूज हो गया है तो इट इज श्योर वी ऑट टू वी ऑट टू पे हमें पे करना चाहिए यू यहाँ पे सजेशन है तो यू शुड यू शुड जॉइन योगा क्लासेज टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट नंबर सेवन इज मॉरल ड्यूटी फॉर मॉरल ड्यूटी अगेन ऑट टू यू ऑट टू डू समथिंग फॉर द अंडर प्रिवलेज नंबर एट सिंस द ट्रेन इज येट टू कम वी जेशन इज शुड वी शुड टेक अ वॉक अराउंड द एरिया नंबर नाइन कंपल्सन यू मस्ट फिनेशियर वर्क बाई टूडे नंबर टेन हैविंग अ प्ले ग्राउंड इन एवरी लोकेलिटी इज अ मस्ट ये नेसेसिटी है ओके सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज बी भी कंप्लीट कर लिया नाउ लेट्स वॉट फॉर द परमिशंस टू परमिट थ्री वर्ड्स आई यूज़ मे कैन और कुड तो मे जो है इट इज़ फॉर्मल फॉर्मल का मतलब है जब ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ हो रहा हो हम अपने बड़े से बात कर रहे हैं तब वहाँ पर मे का यूज़ होगा फॉर्मल इन नेचर और ये ज़्यादा पलाइट भी होता है तो जब हमें किसी से परमिशन लेना है फॉर्मली तो वहाँ पर हमें मे का यूज़ करना है कैन सजेस्ट परमिशन विच इज़ लेस फॉर्मल देन मे तो मे से मे का यूज़ तो फॉर्मल है और कैन का यूज़ होता है इनफॉर्मल इनफॉर्मल कौन जो हमारे रिलेटिव होते हैं हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ अगर हम बात करें तो हम कैन का यूज़ करेंगे कुड क्या होता है सजेस्ट परमिशन इन द पास्ट अब वही परमिशन जो चाहे हम मे के साथ यूज़ किया हो हमने या कैन के साथ किया हो अगर हमें उसका पास्ट बनाना है तो वहाँ पे कुड यूज़ होगा और इट इज मोर पोलाइट देन मे मे पोलाइट है लेकिन कुड उससे भी ज्यादा पोलाइट वर्ड माना जाता है यहाँ आप देख सकते हैं सो कुड यू ग्रांट भी लीव ऑन सैटरडे ऐसे सर है तो हमें मे का यूज करना चाहिए लेकिन हम क्योंकि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम ज्यादा पोलाइट होना चाह रहे हैं सो कुड कैन ऑल्सो बी यूज हेयर अकॉर्डिंगली चलते हैं एक्सरसाइज नंबर सी की सोन एक्सरसाइज नंबर सी टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अब यहाँ सब में हमारे पास तीन तीन ऑप्शन है और जो सही है उस पर टिक करना है सो नंबर वन द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी डैट आई डैश मेक अ कॉल फ्रॉम द टेलीफोन एट द रिसेप्शन आई कुड क्योंकि रिसेप्शनिस्ट जो है परमिशन इन द पास्ट परमिशन उसने दिया एंड वॉट इज द पास्ट चांस ऑफ परमिशन दैट इज गुड नंबर टू आई कॉन्ट फाइंड माई ब्लू पेन जॉनी डैश आई बोरो योर्स इनफॉर्मल इनफॉर्मल में क्या यूज करेंगे कैन का यूज होता है इनफॉर्मल में सो जॉनी कैन आई बोरो योर्स नंबर थर्ड स्टूडेंट्स डैश स्टडी इन द लाइब्रेरी ऑन संडे सेट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल ने फॉर्मल यूज किया है तो यहाँ पे मे होना चाहिए स्टूडेंट्स मे स्टडी नाउ नंबर फोर यू इनफॉर्मल इनफॉर्मल यूज़ करना है सो यू कैन टेक माय पेन डियर ब्रदर ओके कैन यूज होगा नंबर फाइव यहाँ पे फॉर्मल यूज होगा तो फॉर्मल के लिए हमारे पास वर्ड क्या है मे है और नहीं तो हम कुड भी कर सकते हैं यू कैन लीव नाउ सेट द बॉस टू हिज एम्प्लॉयिज कैन होगा नाउ कम टू नेक्स्ट पेज हमारा क्वेश्चन नंबर सी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है नंबर सिक्स परमिशन इन पास्ट यू नो व्हाट इट इज कुड कुड यूज होना चाहिए ही सेड दैट आई कुड जॉइन द टीम ऑन दिस ऑन दैट डे इट्स नंबर सेवन इनफॉर्मल इनफॉर्मल यानी कैन का यूज होना चाहिए कैन आई हैव सम स्नैक्स मदर नंबर एट फॉर्मल मीन्स मे सर May I come in? May I use karenge? Number nine, very polite. Uh, what is very polite? So, could word is very polite. Could I use your telephone? Number ten, informal means can. Can I pay the ticket fare? Okay, so this we have completed and now we are going to do may, might, can, and could used for possibility. कोई चीज़ कितनी पॉसिबल है तो यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है तो हम लोग यूज़ करते हैं मे ठीक है देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी गुड पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है जैसे फादर में भी अटेंडिंग अ मीटिंग इन हिज ऑफिस टुडे हमें लग रहा है कि अभी फादर मीटिंग में होंगे ये पॉसिबिलिटी है माइट जो है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी लेकिन रेंज कम है वीक पॉसिबिलिटी ऐसा हो भी सकता नहीं भी फादर माइट भी एट होम दिस आफ्टरनून क्योंकि वो अभी मीटिंग में हो सकते हैं ऑफिस में हो सकते हैं तो कम चांसेस हैं कि वो यहाँ पर होम में मिलेंगे सो माइट यूज़ होगा माइट इज़ वीक पॉसिबिलिटी अब कैन क्या है कैन इज जेनरल इंडिकेट जेनरल एंड ओकेजनल पॉसिबिलिटी ये हो सकता है एंड न कुड कुड इज़ वेरी वीक पॉसिबिलिटी न के बराबर जब पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पर हम लोग कुड यूज़ करते हैं कुछ और भी है नाउ माइट इज ऑल्सो यूज एज द दास्ट टेंस ऑफ मे और इन द कंडीशनल सेंटेंसिस कंडीशनल यानी जिसमें इफ का यूज होता है जनरली इफ का यूज होता है जहाँ कंडीशन हो जिस सेंटेंस में वहाँ पे भी हम माइट का यूज करते हैं और कुड क्या है सो कुड इज ऑल्सो पास टेंस ऑफ कैन और इट कैन बी यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस ओके सो अकॉर्डिंगली नाउ एक्सरसाइज